आपने वहाँ पे अभी अभी छिलका फेंका है। अच्छा मतलब तुम्हें बहुत शर्म आ रही है ना, जिस चीज का फ्लैग है उसकी तो इज्जत ही नहीं है। जो चीज हमने गलत किया वो तो गलत मानेंगे ना। अगर आपका हगने का मन होता है, मूतने का होता है मन, जिस देश में हम रह रहे हैं उसी हाँ। उसी में गंदगी फैला रही है तो गलत है ना। मैं आपको इंटरव्यू अब नहीं दूंगा, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। आप क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? हेलो हिंदुस्तान, हम हैं रोर ब्रदर्स। तो दोस्तों आज हमने कुछ लोगों को लाइव पकड़ा है हिंदुस्तान को खराब करते हुए, यानी सड़कों पर कूड़ा कचरा फैलाते हुए, और उन लोगों से हमने बातें की है कि यार वो कूड़ा है ना प्लीज डस्टबिन में डालें, जो कि हिंदुस्तान को साफ सुथरा रखने में बहुत जरूरी है, और यंग यूथ का साथ दें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा नाम निकेश कश्यप। तो यार मेरी आपसे एक विनती है, मेरे हाथ में जो चीज है इसके बारे में अगर आपको कुछ मालूम और नॉलेज हो, क्या है ये? इसमें कई जवानों के खूनों की ये निशानी है। ये इंडिया का मैप है, सॉरी इंडिया का फ्लैग है। इंडिया का फ्लैग है, सिंबल ऑफ इंडिया। सिंबल ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है। ये मेरा देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि इसके ऊपर जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे वहाँ केले का छिलका है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये इस पे डाल के थोड़ा बहुत थूक के इसको बाहर फेंक दोगे? नहीं, गलत है ये। क्यों नहीं होता यार? क्योंकि ये हमारी शान है यार, हमारे देश की जान। एक बात बताओ कि यार ये शान भारत माता की शान है ना, आप इस पे नहीं फेंकेंगे ना? नहीं, इसमें नहीं, कूड़े डस्टबिन में डालो, कुछ भी कचरा है आप डस्टबिन में डालो, ठीक है। इसमें क्यों डाल ले? कोई भी अपने कपड़े पे थूकना नहीं जाएगा सर। बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। क्यों नहीं फेंकोगे यार? क्यों फेंकूंगा? एक रीजन पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं फेंकोगे ऐसा? क्योंकि ये मेरा मैप है इंडिया का, ये मेरा इंडिया का फ्लैग है, मैं इसका इंसल्ट नहीं कर सकता हूँ। आप इसकी बहुत इज्जत है आपके अंदर, इसलिए आप इसको नहीं फेंकेंगे? नहीं फेंक सकता, इज्जत करूंगा मैं इसका। क्योंकि आपका मन नहीं मानेगा ना? जी बिल्कुल, मेरा भी नहीं मानेगा। असलियत बात तो ये यार, जब आप एक फ्लैग की इतनी इज्जत दिखा रहे हैं, ये एक सिंबल ऑफ इंडिया है, भारत माता का एक सिंबल है, लेकिन यार भारत माता पे तो लोग थूक रहे हैं, कूड़ा उड़ा डाल रहे हैं, उसकी शान पे नहीं डाल रहे। उनकी गलत फहमी है, उनको भी सोचना चाहिए कि यार जिस देश में हम रह रहे हैं उसी में गंदगी फैला रही है तो गलत है ना। आपने लेकिन वहाँ पे अभी अभी छिलका फेंका है। मुझे एक बात बताओ, कुछ जो लोग होते हैं जो डाल देते हैं यहाँ वहाँ कूड़ा कूड़ा फेंक देते हैं, इलाज हो उनका कुछ ऐसा, कोई आपके बारे में आइडिया? उनका क्या फाइन वगैरह ठोक देना चाहिए ना? फाइन ठोको या कैमरे लगवाओ, है ना, ये चीज है। हाँ। और ये हमारा ये भी तो होता है वातावरण गलत, ये गंदगी होती है उसमें, मच्छर पैदा होते हैं, जहाँ तहाँ कूड़े फैलाने से ही होता है। बिल्कुल, वहाँ पे डस्टबिन नहीं है। आपने अभी ये पिया है, एक गिलास पिया, आप ऐसे ही फेंकते हुए जा रहे हो। यार एक बात बताओ, मेट्रो से निकलते एक तो उसके अंदर है, मैं एक बार बता रहा हूँ, आपने किसी से नहीं पूछा होगा, और वहाँ पे डस्टबिन की लाइन लगी हुई है दोस्तों। थोड़ा आगे चलते, ऐसे ही ऐसे फेंक दिया यार। अभी आप बोल रहे फाइन होना चाहिए, तो आपके ऊपर फाइन ठोक दे सर। अगर आपको थ्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलता तो अपने पास रख लो यार। नहीं पास बाद में फेंक दो। नहीं वो बात मैं बिल्कुल बनाना जब साबुत था तभी तो बैग में था ना, तब भी बिल्कुल, अभी तो यहाँ पे भी नहीं है डस्टबिन। थोड़ा चलना पड़ता है ना यार। जब हम भारत माता के इस फ्लैग की इतनी इज्जत है हमारे अंदर, जब फ्लैग की इतनी इज्जत हम दिखा रहे हैं, जिस चीज का फ्लैग है उसकी तो इज्जत ही नहीं है। नहीं, फ्लैग की इज्जत है बस। घर के अंदर वॉशरूम है। हाँ, वॉशरूम है। अगर आपका हगने का मन होता है, मूतने का होता है मन, तो आप माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। एक मिनट मेरे भाई, आपके हाथ में भारत का झंडा है, आपको रेस्पेक्ट करना बनता है, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू अब नहीं दूंगा। मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, आपके हाथ में झंडा है। लेकिन देश की तुम रियल बेइज्जती कर रहे हो यार। मैं बेइज्जती नहीं, बेइज्जती तो आप कर रहे हो, आपके हाथ में फ्लैग है, बेइज्जती मेरे हाथ में दिल में है, हाथ में है ना फ्लैग जी, आप क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? कहां बेइज्जती कर रहे हैं? बेइज्जती नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप यार? या मैंने आपको कितने प्यार से एक एक कूड़ा फेंकने के ऊपर वहाँ पे डस्टबिन लगा। फ्लैग की इज्जत है लेकिन भारत माता की इज्जत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। भारत माता की मैं इज्जत करता हूँ यार, लेकिन भारत माता पे आप छिलका फेंक रहे हो, तो छिलका डस्टबिन इस पे छिलका फेंकने में शर्म आई, लेकिन भारत माता पे छिलका फेंक दोगे? ये भारत माता का निशान है यार। म्यूनसिपालिटी के अंदर दुकान है और उनके अंदर डस्टबिन है, अगर आप पूछते तो वहाँ पे मिलता आपको। मैं मेट्रो के अंदर नहीं खाया था, मैं यहाँ पे खाया था। मैं किनसे पूछूं यहाँ पे? मुझे बताइए डस्टबिन कहाँ पर है भैया, डस्टबिन कहाँ पर है बताइए, क्यों नहीं बताया? सबको पता है, आपने पूछा किसी से? ए भाई मेरे, एक बार जिस चीज पे आप उठे थे वो पूरी बात तो सुनो। मैंने बोला जब आपको हगना या मूतना होता है, हमें भी है ना, हम
अपने स्पेस से उठ के वॉशरूम के साइड निकलते हैं ना, जाते हैं ना, बिल्कुल जाते वहीं पे तो नहीं हक देते हैं। बिल्कुल है? तो ऐसे यार हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है यार। तो ये बात है, आप कह रहे हो आपके हाथ में भारत का फ्लैग है उसकी बेइज्जती हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यार। डस्टबिन यार कॉर्नर छोड़ो, डस्टबिन तो यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं क्या करता यार, वहाँ थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा एफर्ट डालो, मेरी बात सुनो, हमें खुद से ठीक होना होगा ना। किसी पे इल्जाम डालते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं सॉरी बोल रहा हूँ इसके लिए, पर हमें सॉरी नहीं चाहिए। फ्लैग ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भारत माता इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलना शर्म आता है, करना अच्छा लगता है। बोलना शर्म और करना शर्म की बात है ही नहीं यहाँ पे यार। पता ही क्या, हमें हम यूथ हैं, हमें खुद सबसे पहले सही होना है। जी सर, है ना, अपने आप में तब्दीलियां लाना है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है यार, सॉरी सर आज के लिए जो भी मैंने किया उसके लिए सॉरी। आइंदा हम कभी नहीं करेंगे, और मैं दोस्तों को भी बताऊंगा कि यार ऐसा कभी ना करें। डस्टबिन में ही डाले कोई भी कूड़ा कचरा जो भी है, डस्टबिन में डाल दो सर अभी। बिल्कुल और अपना जो आपका था ये जो भी वो उठा के अगर आप उसमें डाल दें, मैं डाल दूंगा आपके लिए। और अगर आप सच हो गए तो लोग आपको थम्स अप बोलेंगे, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो लोग आपको गालियां देंगे। आई एम थ्रोइंग दिस इन डस्टबिन। ओके ओके, वेरी गुड यार, ये रहा ये रहा। थैंक यू वेरी मच यार। अगर हम बेइज्जती माने तो यार कैसे काम करेंगे। सही बात, हमें ठीक होना है। अभी आपने सोचा आप जिंदगी में नहीं करते, है ना। थैंक यू यार वेरी मच। खा के आए हैं, आपको वो फेंकना चाहिए था। नहीं नहीं यार, मैंने देखा वो तो वहीं रखा हुआ है। आप यार यंग यूथ हो के ऐसा कूड़ा फेंक रहे हो, वो कोई अच्छी बात है? आप कुछ बोलेंगे मैम? अच्छा मतलब तुम्हें बहुत शर्म आ रही है ना, शर्म आ रही है यार। फिर बताओ क्या बात है। आपने वहाँ पे इतनी देर आप रुके, वहाँ पे बैठे, तुमने खाया, वहीं छोड़ के भाग के आ रहे हो, उसका कुछ रीजन है आपके पास? सर आपके पास शर्म आ रही है ना बहुत ज्यादा। गलत बात है लेकिन, हाँ सही कह रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो, प्लीज आप एक बार रुक जाओ। चलो थैंक यू यार, आई एम सो सॉरी। आपको कुछ भी फील हुआ लेकिन बहुत जरूरी चीज फील नहीं हुआ, उसमें कोई गलत है ही, जो चीज हमने गलत किया वो तो गलत मानेंगे ना यार। मैं बहुत देर रुका रहा वहाँ पे इसीलिए कि शायद आप फेंक के जाएंगे और फिर आप जा रहे हो, तो आई फील कि आपके पास जाऊं और पूछूं तो सही।